नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहा है अपराधों का सिलसिला। कमिश्नर की पुलिस नहीं लगा पा रही है बदमाशों पर लगाम। लूट के इरादे से घर में घुसे मलियाबाद निवासी कलाम उर्फ ताहिर ने बुजुर्ग महिला को मारी गोली। थाना हसैगंज के मदयगंज चौकी से चंद कदमों की दूरी पर बुजुर्ग महिला को गोली मारकर किया घायल। गोली की आवाज से क्षेत्र में मचा हड़कंप। गोली मारकर घर से भाग रहे बदमाश को क्षेत्रवासियों ने पकड़ा और बहुत मारा। वहीं सूचना पर पहुंची हसनगंज पुलिस ने आरोपी कलाम उर्फ ताहिर को तुरंत हिरासत में लिया। वहीं घायल अवस्था में 60 वर्षीय रौनक जहां को ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। वहीं हसनगंज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो पेश है उदित राज न्यूज से संवाददाता प्रभात कश्यप की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। क्या नाम है आपका? जाबिर। आज जो ये घटना हुई है, कौन थी किनको गोली मारी गई और कौन था ये? पूरी बात बताएं। मैं मम्मी थी और मैं उसी टाइम पे 5 मिनट हुए होंगे घर से बाहर निकला था और उस 5 मिनट के बाद 7-5 पे ऐसे हम घर से निकले और उसके 5 मिनट के बाद फौरन बगल से लड़के का फोन आया कि तुम्हारी मम्मी को किसी ने गोली मार दी। और मैं तो पहले मजाक समझ रहा था, फिर 2-4 फोन और आए लोगों के मोहल्ले के। जब घर आए तो देखा मजमा लगा था। जिसने गोली मारी है क्या आप उसको जानते हैं? नहीं, मैंने पहली बार उसको देखा है। पुलिस के मुताबिक वो आपको जानता है? हाँ। आप उसको नहीं जानते? हम उसको नहीं जानते। पुलिस बता रही है कि वो हमें जानता है, हम उसे नहीं जानते, ये वो बता रहा है। हमने भैया जो तुमने, क्या नाम है तुम्हारा? किस लिए गए थे वहाँ पर? क्या मामला था जो गोली चलानी पड़ी? अरे वो ब्रेन में तो आवाज नहीं आती है। मैंने हसनगंज में, अरे रुक जाओ, चल गई। क्या मामला है पूरा? ये लगभग 7:30 बजे हम लोग को सूचना मिली है कि मदयगंज चौकी के पास एक महिला को गोली मारी गई है। मौके पर उस लड़के को पकड़ भी लिया गया था जो कि अब हमारी कस्टडी में है। महिला की उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच की है, जिनका नाम रौनक है, रौनक वाइफ ऑफ साबिर। ये मदयगंज की निवासी हैं। महिला को तुरंत ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया गया है। जो लड़का है जिसने गोली मारी है उसकी उम्र लगभग 26 साल है। इनका नाम है कलाम सन ऑफ गुड्डू उर्फ ताहिर, निवासी है ये मलिहाबाद का। इनसे पूछताछ की गई है क्योंकि काफ़ी गंभीर चोटें थीं। तो इन्होंने जो चीज़ें अभी तक हम लोग को ये बताई है कि जो महिला थी, इनका जो लड़का है, ये दोनों जो है एक, ये जिसको चोट लगी है वो और महिला का लड़का, ये दोनों लोग एक ही कार्यालय में काम करते थे। ये अक्सर सुनता रहता था कि वो काफ़ी फ़ोन वोन पर बातें करता रहता है कि पैसे के लेन देन के बारे में और जो भी चीज़ें करता था। तो तभी से इसके दिमाग में ये था कि काफ़ी पैसे वाले घर का है और मैं इसके यहाँ जो है चोरी करूँगा, जो कि इसने अभी तक बताया है हम लोगों को। 2014 में ये जेल भी जा चुका है, तभी से इसके पास तमंचा है अपना खुद का, और उसी तमंचे को लेकर ये आज आए हैं। उसके घर में घुसा था, वहाँ पे लड़का नहीं था, उसकी बूढ़ी माँ थी जिसको उसने पीछे से गोली मारी। तभी पब्लिक ने इनको पकड़ लिया और इनको मारा पीटा, फिर मौके पर पुलिस पहुंची और फिर इनको कस्टडी में हम लोग ने ले लिया। कौन सा तमंचा था मैम, और क्या चोरी कर पाए वहाँ पर कि नहीं? ये नहीं, चोरी तो ये नहीं कर पाए हैं। तमंचा इनका 315 बोर का तमंचा था इनका। 2014 में किस मामले में जेल गए थे और कहां से गए? 2014 में अभी ये नहीं पता चल पाया है क्योंकि अभी ये कुछ बोला नहीं है, लेकिन इतना पता लग गया है कि इनका कुछ जमीनी विवाद था। बाकी अकेले आए थे इनके साथ कोई? जी, अकेले आया था। हंक बाइक है इसकी, उसी से अकेले आया था। ये जो घर के अंदर जैसे पहले क्या कभी घर आया इनके साथ? नहीं, इसने जहाँ तक अभी तक ये बताया है, ये काफी टाइम से जो है फिराक में था चोरी करने का, और आज जो है उस लड़के का पीछा करते करते ये आया था। लड़का फिर कहीं चला गया था, फिर ये घर में घुसा जहाँ पे बूढ़ी माँ मिली उसकी, जिसको उसने पीछे से गोली मारी है। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।